अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाजीज स्मार्ट एडवाइस। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगा, जिसे बांझपन भी कहा जाता है। ये औरतों का बांझपन भी कहा जाता है। और इसमें यह होता है कि अगर जैसे 2 साल तक मैरिड कपल्स आपस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें, उसके बावजूद भी फर्टिलिटी ना हो अगर, तो उस वजह से उस रीज़न को जो हम इनफर्टिलिटी कहा जाता है, या बच्चा पैदा ना हो दो या तो उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। वैसे ये इनफर्टिलिटी जो है वो मेल और फीमेल दोनों में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी एक में भी हो सकती है। और इसमें जो कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि अब मेल्स में आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म काउंट जो है उसकी वजह से हो सकता है, फिर अनडेवलप्ड मेल पेनिस की वजह से हो सकता है। इसी के अलावा इन्फेक्शन है अगर मेल के पेनिस में तो उसकी वजह से हो सकता है, फिर और कोई ऐसी वीकनेसेस जो रह गई हों और सीवियर डिजीज़ की वजह से, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसी तरह फीमेल में आप अगर लें तो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ यूटरस का स्ट्रक्चर सही नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोनल इम्बेलेंसेज हैं, फिर उसके अलावा पीरियड प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड जैसे टाइम पर नहीं आ रहे हैं, शॉर्ट पीरियड्स हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ पीरियड्स हैं, टाइमली पीरियड्स नहीं हैं। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है वो मेल और फीमेल दोनों की एज होती है कि अगर 40 से अबव हों तो उसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी अकर हो सकती है। इसके लिए जो दवाई है, अद्वियात हैं, वो एक तो BM44 नंबर है BM वालों का, जो कि पाकिस्तान में मेड होती है, वो आप जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेल के लिए मैंने एक रेमेडी निकाली है, वो है R41। ये है डॉक्टर रेकेवेग एंड कंपनी की है, जो कि R41 के नाम से मशहूर है। वो मेल इनफर्टिलिटी के लिए काम आती है। अच्छा, अब मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो होम्योपैथिक दवाइयाँ आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें है सेलेनियम और कैलेडियम। ये उस वक्त इस्तेमाल होती हैं जब फिज़िकल और मेंटल वीकनेस हो, तब इस्तेमाल की जाती हैं। इसी के साथ साथ एक्सरे दवा है, वो भी स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा कोनियम है, वो टेस्टिस के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसी तरह है सबाल सरल्यूटा है, जो कि टेस्टिस अगर स्मॉल हो साइज़ में, उनका साइज़ छोटा रह गया हो, तो उसके लिए सबाल सरल्यूटा इस्तेमाल होती है क्यों में। अब आप देखें कि फीमेल इनफर्टिलिटी है तो उसमें अगर जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उसमें बोरेक्स है, इसके अलावा नेट फॉस है, ये जब इस्तेमाल होती हैं जब बर्निंग डिस्चार्ज हो। इसके अलावा जिस तरह अगर मोटे हैं, मोटापा है थोड़ा सा, तो उसके लिए कलकरिया काप इस्तेमाल होती है फैटी लोगों के लिए आमतौर पर, और अलेट्रिस है, वो इसलिए, ये दोनों इसलिए इस्तेमाल होती हैं जब लॉन्ग पीरियड्स हों और ब्लीडिंग काफ़ी हो उसमें, तो उस वक्त ये इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा पल्स है, सीपिया है। पल्स और सीपिया जो है ना वो लो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, जब ये सिम्टम्स हों तो वो इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह सीपिया और एग्नस कैस्टस हैं, वो सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल लो हो चुका हो तो उसमें इस्तेमाल की जाती हैं सीपिया और एग्नस कैस्टस। इसके अलावा जो बहुत सी बीमारियों की जड़ है, जो आजकल माइक्रोवेव ओवंस इस्तेमाल होते हैं और जो कि फूड को हीट करने के लिए या फूड पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिससे कि इनफर्टिलिटी होती है, तो इससे भी आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल छोड़ दें तो बेहतर ही होगा। तो जनाब, ये एक छोटा सा एक वीडियो था जो इनफर्टिलिटी पे था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे अभी आगे जितनी अच्छी वीडियोस आनी है वो आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।